बहुत ही अद्भुत है, ईश्वर का धन्यवाद है जो हमें योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री मिला। योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर क्रम डांडा आए थे, जहां पर तमाम स्टूडेंट हैं जिन्होंने उनको बेहद करीब से देखा और उनकी जो उनका उद्बोधन था उसको सुना। इनसे जानेंगे कि आज जो उनका उद्बोधन हुआ वो कितना प्रेरणादायक रहा। क्या नाम है आपका? वर्तिका श्रीवास्तव। आज अभी आपके मुख्यमंत्री आपको बेहद करीब आए थे जी। क्या उन्होंने कहा और आपको कैसा लगा? हमें बेहद खुशी हुई, काफ़ी अच्छा लगा उन्हें इतना नज़दीक से सुनकर, और भी कुछ करने की इच्छा जाग चुकी है मन में। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके प्रयास को हम लोग भी आगे लेके जाएं और अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य करें। शिक्षा को लेकर जिस तरह से उन्होंने बढ़ावा देने की बात की, कितना इंस्पायर होंगे लोग इन चीज़ों से? काफ़ी हद तक इंस्पायर होंगे लोग इन चीज़ों से, क्योंकि जैसा है कि गांव में अक्सर ये धारणा होती है कि लड़कियों का पढ़ना या उन्हें ज़्यादा पढ़ाना, इन सारी चीज़ों पे कम ही जोर दिया जाता है। और अगर ऐसे जगह पे किसी कॉलेज का उद्घाटन होता है या कोई मुख्यमंत्री आके हमारे सूबे का ऐसा कोई कदम उठाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होगा। अक्सर लड़कियों के पैरों में बेड़ी डाली जाती है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो। आज आपके मुख्यमंत्री आपके करीब आए थे, तमाम बातें उन्होंने कही, जो बात आपको अच्छी लगी वो कौन सी बात है? हमें ये अच्छा लगा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया, इससे यहाँ मतलब जो गांव में लड़कियाँ पढ़ लिख नहीं पाती वो भी अपने सपने को उड़ान भर सकती हैं, और उन्हें भी इससे एक प्रेरणा मिली होगी कि वो अपने सपने को साकार कर सके और अपने देश का भी नाम रोशन कर सके। अभी मुख्यमंत्री आप सबके पास थे, आपने उनका जोरदार वेलकम किया, स्वागत किया, कौन सी बात उनकी आपको ज़्यादा अच्छी लगी जो अपने जीवन में आप धारण करना चाहेंगी? उन्होंने बोला कि यहाँ पे आगे भविष्य में विश्वविद्यालय बने, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे स्वागत गीत किस किसने गाया था, मैं चाहूंगा एक बार थोड़ा आप गुनगुनाइए उस चीज को। स्वागत करते वंदन करते नयनन पलक बिछाए जो मुख्यमंत्री जी आए, जो मुख्यमंत्री जी आए। स्वागत करते वंदन करते नयनन पलक बिछाए जो मुख्यमंत्री जी आए, जो मुख्यमंत्री जी आए। ये वो कर्णधार हैं जिनके हाथों में भविष्य आने वाला है देश का। ये बच्चे हैं जो यहाँ पर पठन पाठन कर रहे हैं, जिनको आज सूबे के मुखिया ने तमाम ऐसे सूत्र बताए जो जीवन में धारण करने वाले हैं। देखिए किस तरह से ये सभी स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, मैं और लोगों से भी जानूंगा। क्या शुभ नाम है आपका? आकांक्षा पांडे। पांडे जी, मुख्यमंत्री आपके यहाँ आए थे, उन्होंने तमाम बातें आपकी शिक्षा को लेकर कही, ऐसी कौन सी बात जो आपके जीवन में धारण करने वाली लगी आपको? मुझे मुख्यमंत्री जी की बातें अच्छी लगती कि वो निडर हैं, वो बेखौफ होकर देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए कार्य करते हैं। उनकी मतलब जो उनका कार्य करने का तरीका है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। देखिए ये सभी बच्चे यहाँ पर हैं जो आज इस मौके पर शामिल थे और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के उद्बोधन को बहुत ही करीब से सुना। जिस तरह से शिक्षा को लेकर प्रदेश के मुखिया ने एक अलग जगाई है यहाँ पर, वो सभी बच्चे अपने जीवन में धारण करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। मेरी मौजूदगी उस जगह पर जब भी थोड़ी देर पहले